हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? ओके, सो देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन चैप्टर स्टार्ट किए थे और इसमें हमने कुछ टॉपिक्स, हमने टर्म आपको डिफाइन किए थे. ओके, जैसे कि इसमें कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं. ओके, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होते हैं. ओके, उसके बाद से हमने इसमें आपको बताया था इसके साइन क्या होते हैं, मतलब किस क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस मेरा क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ये सब हमने आपको बताया था. ये कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट कैसे किसी भी आप ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हमने जस्ट आपको बताया था. ओके, और इसके बाद इसका जो हमने यस ऑर्डिनेट वर्टिस ये सारे अब से सामने सब बता दिया था. यस, कन्वेंशन ऑफ साइन ऑफ कोऑर्डिनेट. यस, जस्ट लुक एट हियर. इसके बाद हम जस्ट ये स्टडी अभी करेंगे. इसके आज हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन, मतलब किसी लाइन में किसी भी पॉइंट का पेज रिफ्लेक्शन देख रहे हैं ना, कैसे बताओगे क्या है. ठीक है, अगर इसके स्टडी करने के पहले जस्ट हम आपको थोड़ी से रिकॉल करा दे रहे हैं. एक्चुअली लास्ट लेक्चर में आपको रिकॉल कराया था. ठीक है, बट हियर आल्सो आई रिकॉल इट. ये है कन्वेंशन ऑफ साइन ऑफ कोऑर्डिनेट. जैसे आप यहाँ देख सकते हो, जस्ट लुक एट हियर, ये कन्वेंशन फॉर साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स. जैसे ये आपका इसमें पहला कह रहा है the x coordinate of a point is positive if it is measured to the right of the o matlab origin, that is ox along negative if it is measured of the left of the jo bhi hai. And similarly the y coordinate kya bolte hain, humne just bataya tha aapse ordinate. okay, and x coordinate ko kya bola jata hai babu, x coordinate hum bolte hain abscissa. okay, no problem. to ye dekho, yahan se ye jo bhi positive if it is measured अपवर्ड दैट इज अलॉन्ग द जो भी निगेटिव है. जैसे इसको देखो, जस्ट हमने आपको यहाँ से हमने आपको इसको जस्ट लुक एट हियर, ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में करा दिया था, आप देख सकते हो. ओके, यस यस, जस्ट वेट अ मिनट. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये यहाँ से ऐसे देख सकते हैं. ओके, यस, ये लास्ट लेक्चर हमने आपको बताया था. इसमें देखो क्या होता था, हमने क्या बताया था, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये क्या होता है एक्स एक्सिस. ओके, जस्ट लुक एट, ये आपका एक्स एक्सिस होता था. उसके बाद देखो, एक्स एक्सिस पर सारे इधर पॉजिटिव होते नंबर होते थे, इधर सारे निगेटिव, इधर पॉजिटिव. वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस का मतलब ऑर्डिनेट, ये आपका वाई डैश एक्चुअल नेगेटिव वाला आ गया ना, दैट्स व्हाई इट इज टेकन टू बी वाई डैश एक्सिस. सो अब देखो, इसमें हमने जो भी नंबर्स को प्लॉट कर दिया. ओके, अब देखो इसमें क्या होता था, हमने आपको बताया था ना, इसमें जो साइन आपको देखने होते थे कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं, मतलब ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों के साइन कितने होते हैं. ओके, तो हम आप यहाँ देख रहे हो, अगर जो यहाँ एब्सिसा है, जो एक्स एक्सिस है, यहाँ क्या है, सारे पॉजिटिव है ना. ओके, और यहाँ जो ऑर्डिनेट है वाई एक्सिस से भी पॉजिटिव है, इसका मतलब आप जब भी कोऑर्डिनेट लिखते बाबू, जब भी कोऑर्डिनेट लिखते, जस्ट वेट मिनट, तो आप कोऑर्डिनेट क्या लिखते, एक्स कामा वाई, यही लिखते ना, एक्स कामा वाई. जब आप ये लिखते हो तो यहाँ से ये ध्यान दें, एक्स क्या है, एक्स मतलब ये एक्स एक्सिस ना, इस पर कौन से पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव या निगेटिव, तो कहोगे बिल्कुल पॉजिटिव. ओके, और इस पर देखो वाई एक्सिस पे क्या, वाई एक्सिस मतलब ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट भी किस टाइप के पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, मतलब इसमें कौन से पॉइंट पॉजिटिव है निगेटिव है, पक्का है पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई इसका साइन क्या हुआ, कन्वेंशन ऑफ जो साइन दिया है ना, इसका साइन क्या हुआ, प्लस हुआ, और इसका भी साइन प्लस हुआ, दैट्स व्हाई दैट्स ये जो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा साइन आता है, तो प्लस कामा प्लस. समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, ओके, इसको हमने लास्ट लेक्चर में आई थिंक डिस्कस कर दिया था. ओके, चल, तो यहाँ प्लस प्लस हुआ. ओके, इसमें देखो सेम, यानी पहला वाला जो होता है ना एक्स एक्सिस होता है, ध्यान देना, दूसरा वाला होता है क्या होता है वाई एक्सिस, मतलब पहला एब्सिसा, दूसरा ऑर्डिनेट. सिमिलरली यहाँ देखो, पहला क्या होता है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब देखो ये किधर है, ये आपके एक्स एक्सिस विद नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव है ना ये, अरे एक्स का ये नेगेटिव है इसलिए पहला नेगेटिव हो गया, और वाई एक्सिस देखो ये पॉजिटिव वाला, ये पॉइंट है ना इधर इधर के जितने पॉइंट्स है, इसलिए ये आपका पॉजिटिव हो गया, तो इसका साइन क्या होता है, माइनस कामा प्लस. सिमिलरली थर्ड में आप देखो, थर्ड ऐसा होता है, देख यहाँ ध्यान दें, थर्ड में एक पहले देखो, जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना बाबू, तो हमेशा हम एक्स कमा वाई ही लिखते हैं. ओके, तो एक्स आप देखोगे अगर इस क्वाड्रेंट हम आ रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो एक्स आप देखोगे क्या है, निगेटिव है, एक्स इधर निगेटिव है ना, अरे इधर तो निगेटिव है एक्स, इधर वाई क्या है, वाई भी निगेटिव है, इसलिए आपका इसका जो भी एक्स का साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव, और वाई का साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव. तो इस क्वाड्रेंट में थर्ड में दोनों आपके कौन से लाई करेंगे,
नेगेटिव वाले, ओके ठीक है। अब फोर्थ वाला देख सकते हो, फोर्थ में क्या है, फोर्थ में इधर देखो, इधर प्लस है, अरे फोर्थ में ये एक्स एक्सिस प्लस और वाई एक्सिस क्या नेगेटिव, तो ये आपका ये, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, और ये आपका ओरिजिन होता है, ओरिजिन मतलब जीरो जीरो। तो ये आपका पूरा क्वाड्रेंट सिस्टम पे, ये जो भी क्वाड्रेंट जो सिस्टम होता है इसमें क्या आप जो भी साइन होते हैं प्लस माइनस कहाँ ये क्या होते हैं ये हमने आपको अच्छे से बता दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। जैसे हमने आपको यहाँ डिस्कस भी किया था लास्ट में लेक्चर में, जैसे ए जैसे 2.3 को हमें रिप्रेजेंट करना है, आपसे यदि पूछा जाए 2.3 किस क्वाड्रेंट पर लाई करेगा, 2.3 आप बताओ किस क्वाड्रेंट पर लाई करेगा, तो पक्का है कि आप बताओगे 2 क्या है, पॉजिटिव है पक्का, ओके। पॉजिटिव होने का मतलब 2 क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है ना, एक्स एक्सिस का मतलब एब्सिसा, ओके। और -3 क्या है, -3 मतलब पहला एक्स होगा दूसरा वाई आएगा, वाई का मतलब ऑर्डिनेट, वाई देखो -3 ऑर्डिनेट पर कहाँ आता है, -3 ऑर्डिनेट पर कहाँ आएगा, तो इधर आएगा, यानी देखो एक आपका इस इधर मिला और एक इधर मिला, यानी ये आपका क्वाड्रेंट मिला ये वाला, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो ये लिखो फोर्थ क्वाड्रेंट, समझ पा रहे। -3, -8 किस क्वाड्रेंट पर लाई करेगा, -3, -3, -8 किस क्वाड्रेंट पर लाई करेगा, तो आप कहोगे सर ये पहला वाला एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाला वाई एक्सिस का, यानी पहला वाला एब्सिसा होता है और दूसरा वाला क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है, क्या होता है बाबू, ऑर्डिनेट होता है, इसलिए हम देखेंगे दोनों एक्चुअली नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव कहाँ होती है, तो आप देख रहे हो कि दोनों नेगेटिव किस में होते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट, यानी ये वाला जो पॉइंट आपका बी जो पॉइंट होगा वो लाई करेगा कहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट, समझ पा रहे हैं ना, ये सब हमने अच्छे से बताया था, इसको आपको नॉलेज होना चाहिए, विदाउट दिस यू कैन नॉट सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। जो भी रिफ्लेक्शन से यदि आपसे क्वेश्चन दिया जाए तो फिर आप ये अगर आपको ना कॉन्सेप्ट ना पता हो देन यू कैन नॉट सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो देखो ये सारे हमने आपको बता दिए थे, ओके। इसके बाद से देखो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, जस्ट वेट मिनट, यस ये सब हमने बस बता दिया था, ओके यस। रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन अ लाइन, अ वेरी वेरी गुड, वेरी गुड एग्जांपल। जैसे इसको देखो, इसको आप कैसे बताओगे, जस्ट वेट मिनट, जस्ट वेट मिनट, यस थोड़े से इसको रिकॉल कर लो, इसके बाद जस्ट हम आपको बता रहे हैं। ये देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझो, ये आपका टॉपिक कह रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन अ लाइन, मतलब आपका सपोज करो कोई पॉइंट एक होगा, ओके, और एक लाइन होगा, इसके थ्रू आपको इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन देखना है। रिफ्लेक्शन का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब उसका इमेज, समझ पा रहे हैं ना, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई पॉइंट है, उसको आप इमेज देखकर, बाबू जैसे अपना अपना फेस मिरर में देखते हो ना, तो आपका इमेज वहां फॉर्म होता है ना, तो सेम यहाँ भी है, यहाँ पर आपका होता है लेकिन यहाँ किसी ऑब्जेक्ट का, ओके, ऑब्जेक्ट में कोई पॉइंट हो गया, समथिंग कुछ भी हो गया, तो ये कह रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन अ लाइन, तो आप कैसे देखोगे, देखो ये यहाँ से ये कह रहा है, व्हेन वी सी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन मिरर वी नोटिस द, अगर जब भी हम क्या किसी प्लेन मिरर में क्या हम किसी इमेज जो भी वी इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन मिरर जो भी, तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, ओके। फिर कह रहा है द मिरर लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, ओके। दस इफ यू पी इज द पॉइंट, पी डैश इज द इमेज इन द प्लेन मिरर, देन द मिरर लाइन से ए बी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट पी पी डैश, ये जो लाइन सेगमेंट है पी और पी डैश का, ये मिरर इमेज क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लीड टू ये, ठीक है। इसको आप डिफाइन कैसे करोगे, तो देखो ये डिफिनीशन आपको यहाँ दिया है, डिफिनीशन, द रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट पी इन अ लाइन ए बी इज अ पॉइंट पी डैश, कह रहा है अगर मान लो आपको देखो किसी भी पॉइंट का यदि आपको रिफ्लेक्शन लेना है, समझ पा रहे हैं ना, तो ये आप डिफाइन करोगे द रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट पी, मतलब कोई पॉइंट, यदि पी पॉइंट है, ए पॉइंट है, डी पॉइंट, वट एवर यू कैन टेक द पॉइंट, पॉइंट का नाम ही तो है जी, आप पॉइंट का अलग नाम दे सकते हो, यहाँ पी लिया हम कुछ और नाम दे दें, बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है। तो ये कह रहा है द रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट पी इन लाइन ए बी इज अ पॉइंट पी डैश सच डैट ए बी इज परपेंडिकुलर, ए बी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट पी पी डैश, द लाइन ए बी इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन और मीडिएटर, समझ पा रहे हैं, ओके जस्ट वेट मिनट, ठीक है। तो यहां से देखो ये आपका डिफिनेशन है, जैसे इसको हम आपको अच्छे से यहां समझा रहे हैं, देखो
ऑब्जेक्ट है यहाँ जस्ट लुक एट हियर, ठीक है। इसको आप ऐसे सोच सकते हो, सपोज करो आप ये सपोज करिए आपका क्या अबाउ मिरर है, ये क्या है ये मिरर, मिरर देखा है ना, अरे मिरर मान लो ये, जस्ट थोड़े सही बना लो, कहो सर क्या अभी नीचे बना लो, चल ये आपका सपोज करो मिरर है, ओके। यहाँ पर देखो हम इसको क्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ इसको पेंट कर दे रहे हैं ऐसे आप, ओके ओके। अब सपोज करो बाबू हम मेरा कोई पॉइंट यहाँ पी है, कौन सा पॉइंट है, मान लो सपोज करो कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट का हम रिफ्लेक्शन देखना चाह रहे हैं। जैसे सपोज करो आप शीशा रखते हो, शीशा मिरर मतलब रखता है ना, वहां से जब अपना क्या मिरर अपना इमेज देखते हो, आपका इमेज कहाँ फॉर्मेशन होगा, तो सपोज करो ये अगर पॉइंट यहाँ है तो यहाँ आपका मिरर है, मिरर है ना, प्लेन मिरर है, ओके। तो यहाँ इसका जो आपका इमेज बनेगा इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट का मिरर देखना, ध्यान सुनना, अगर सपोज करो यहाँ से बीच का, यहाँ से बीच का डिस्टेंस सपोज करो कि 5 सेंटीमीटर है, तो पक्का है कि जो यहाँ से अब देखो इसका जो इमेज बनेगा वो एक्चुअली इधर बनेगा, ध्यान देना, एक्चुअली यहाँ बनेगा, और ये पी है तो इसका क्या हो जाएगा, पी डैश होगा। लेकिन ध्यान देना अगर ये डिस्टेंस यहाँ से 5 है ना, तो यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस 5 ही सेंटीमीटर को बनेगा, समझ पा रहे हैं ना। अगर इसका नाम दो पी और पी डैश, और इसका नाम ले लो ए और बी, समझ पा रहे हैं ना। तो इसका अगर ये पॉइंट पी है तो पी का मतलब कोई भी पॉइंट है, सपोज करो पॉइंट पी है, इसका कुछ भी नाम दे सकते हो, मान लो कोई पॉइंट पी है, तो इसका इमेज बनेगा पी डैश पे। लेकिन ध्यान देना ये जितने डिस्टेंस पे इससे इस यहाँ से लेकर के यहाँ से जितने डिस्टेंस पे होगा वही यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा, तो यही आपका इसमें कहा। अब ध्यान देना ये जो ए बी है ना, ए बी है इस जो पी और पी डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पी और पी डैश का क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने का मतलब समझ, जो ही हम जो आपसे कह रहे थे यहाँ से, यार यहाँ पे कुछ नाम हो जाएगा आप वो दे सकते, यानी ओ पी इक्वल टू ओ पी डैश, यही तो हुआ ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब, इसको 90 डिग्री पर क्या इसको बाइसेक्ट कर रहा है, और क्या बाइसेक्टर का मतलब इक्वल, दोनों आपस में इक्वल हो जाए, यानी ओ पी इक्वल टू ओ पी डैश, तो ये आपका कहा जा रहा है, ओके। जैसे देखो इसमें जस्ट वेट मिनट, यस यही हमने आपसे बताया था ना, ठीक। अब इसको थोड़ा आप ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है, ये आपका होता है क्या पी है, तो मतलब कोई ऑब्जेक्ट होगा ना, जस्ट लुक एट मी, यहाँ पी क्या हो, कोई तो आपका जस्ट वेट मिनट, ओके ये कोई ऑब्जेक्ट होगा, ओके और यहाँ क्या होगा, अरे ये जो मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसी का तो इमेज यहाँ फॉर्म हो रहा है ना, तो यहाँ हम इसको लिख देंगे ये पी डैश, ये मेरा यहाँ क्या मिल रहा है, ये इसका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके रिफ्लेक्शन है, उसके बाद से जस्ट हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको हम और अच्छे समझाएंगे, ओके। तो यहाँ ये देखो ये आपका प्लेन मिरर हो गया, इमेज हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। अब देखो इनवेरिएंट पॉइंट क्या होता है, अगर जो इनवेरिएंट पॉइंट का मतलब बस सिंपल सा आप समझ सकते हो, इनवेरिएंट पॉइंट थोड़ा सा डेफिनेशन देखो, उसके बाद जस्ट हम इसको आप बता रहे हैं, जस्ट वेट, ये देखो ये आपका इनवेरिएंट पॉइंट, इनवेरिएंट पॉइंट बस इसमें आपको डिफिनीशन अच्छे से आने चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो ये है, आपको डिफिनीशन हर एक डिफिनीशन अच्छे से आने चाहिए बाबू, तभी आप क्लियर कर पाओगे, अदरवाइज कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। ये तो कह रहा है इन पर्टिकुलर इफ द पॉइंट पी लाइज ऑन द लाइन ए बी देन द इमेज ऑफ पी इज इटसेल्फ पी सच दैट अ पॉइंट इज कॉल्ड द इनवेरिएंट पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द लाइन ए बी, दिस लीड्स टू, जो भी इसका डिफिनेशन थोड़ा सा देख लो, अ पॉइंट इज कॉल्ड इनवेरिएंट पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू अ गिवन लाइन इफ एंड ओनली इफ इट लाइज ऑन द लाइन, जैसे आप यहाँ देख सकते, जस्ट लुक एट मी, देखो इनवेरिएंट पॉइंट कैसे आप बताओ, देखो ये आपका क्या था, ये पॉइंट भी था, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ से मतलब क्या इसका इमेज, ये ऑब्जेक्ट था और इसका इमेज आपका यहाँ फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब देखो सपोज कर इसी को हम आपको इनवेरिएंट पॉइंट बना रहे हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जस्ट वेट मिनट, देखो इनवेरिएंट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं क्या है, यहाँ से ऐसे रख सकते हो, आपको हम बता दें बाबू इनवेरिएंट पॉइंट, इन इनवेरिएंट पॉइंट्स, देखो ये क्या होता है, जैसे सपोज करो आपका ये क्या है, जस्ट वेट मिनट, आपका ये क्या बाबू, तो प्लेन मिरर है, ठीक है, चलो इसको हम बोलते हैं क्या है ये, यहाँ आप लिख सकते हो ये आपका है प्लेन मिरर, ओके।
ये आपका प्लेन मिरर है। चल आप सपोज करो, खुद सोचो, जैसे पहले आप यहाँ देखो, इनवेरिएंट पॉइंट है, ठीक है। जैसे ये देखो, अगर सपोज करो हमने क्या कहा था, ये जो O से P का जो डिस्टेंस होता है ना, अगर जो ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसका जो इमेज बनता है जो पी डैश, जो O से इस लाइन से यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होता है वही पक्का है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, ओके। लेकिन सपोज करो यदि इस पॉइंट को, पी को, अगर जो बाबू हम क्या करें नीचे ला रहे हैं, मतलब ऐसे ला रहे हैं, मतलब मिरर के पास ला रहे हैं, समझ पा रहे हैं, मतलब जैसे जैसे इसका, इसको सपोज करो पी किसी समय यहाँ था, ओके, किसी समय पी आपका यहाँ आ गया, ओके, तो पक्का है कि इसका, इसका सपोज करो पी अगर यहाँ था तो मान लो यहाँ है, सपोज करो पी किसी समय यहाँ आ गया तो पक्का है कि इसका जो इमेज बनेगा ना अब यहाँ बनेगा ना, क्यों बनेगा, क्योंकि देखो हमने क्या कहा था, जहाँ से ये जितना डिस्टेंस होता है ना उतने ही डिस्टेंस पे ये इमेज बनता है, समझ पा रहे हैं ना। अब देखो यानी अभी समय इसका इमेज यहाँ बन जाएगा, सिमिलरली अगर पी को हम यहाँ नहीं अब यहाँ ला दे रहे हैं, यानी ये आपका पॉइंट पी यहाँ हुआ, यानी इनके बीच का मान लो डिस्टेंस जो ये हुआ तो इतने ही डिस्टेंस पर तो फिर इसका इमेज बनेगा, मान लो यहाँ से डिस्टेंस पर ये हो गया, यहाँ पी डैश आएगा, समझ पा रहे, मतलब जैसे जैसे हम यहाँ मतलब क्या मिरर के पास आते जाते हैं वैसे वैसे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है ना, जितना यहाँ डिस्टेंस होता है उतना यहाँ डिस्टेंस होता है। एक्चुअली हम देखते हैं ना जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो मतलब क्या मिरर के जो लाइन होता है ना, जो मिरर प्लेन होता है उसी पर आपका एक्चुअली ना अब इमेज फॉर्मेशन, अगर सपोज करो अगर जो पॉइंट को एग्जैक्ट हम इसी लाइन पर ले लिए, मतलब एग्जैक्ट इसी लाइन पर लेने का मतलब प्लेन मिरर ही पर हमने ले लिया, समझ पा रहे हैं ना, तो इसका इमेज है मतलब पक्का है किसी पॉइंट मतलब फॉर्म होगा, यानी अगर जो पॉइंट सपोज करो आपने क्या ऑब्जेक्ट को यही ले लिया, यही ले लिया, हमने क्या कहा ऑब्जेक्ट जो यही अगर ले लिया ना पक्का है कि इमेज भी आपका यही यही फॉर्मेशन होगा। जैसे ये देखो ये आपका ऑब्जेक्ट था, ओके, ऑब्जेक्ट यही हो गया और फिर आपका क्या इमेज भी यही फॉर्म होगा, इमेज ऑब्जेक्ट मान लो आपका क्या था पी था तो इमेज आपका क्या था पी डैश था, ऐसे सबको ये आपका क्या था पी डैश था, जस्ट वेट मिनट, ये पी डैश था। हमने क्या कहा था ये जितने डिस्टेंस इस प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का होगा उतने ही डिस्टेंस प्लेन मिरर से इमेज का भी होगा, तो एक्चुअली प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, कुछ नहीं है, जीरो है, अरे यहाँ से डिस्टेंस कुछ है नहीं, मतलब इसी इसी एक्सिस पर सपोज करो आप यहाँ हो, ये पॉइंट हम आपसे कह रहे हैं आप इसी पर हो, आपका डिस्टेंस क्या है जीरो हो गया ना, तो इसका मतलब आप इसी पर हो, मतलब कुछ चले ही नहीं, ये अगर आप देखो आपका जो ऑब्जेक्ट है बाबू, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, सपोज करो आपका ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर पर ही है, प्लेन मिरर ही पर है तो पक्का है कि उसका इमेज भी बनेगा तो प्लेन मिरर ही पर बनेगा, उसी पॉइंट पर बनेगा जहाँ आपका ऑब्जेक्ट है, तो ओवरऑल के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया जीरो हो गया ना, जब जब भी बीच का डिस्टेंस जीरो हो गया इसका मतलब ये आपका जो पॉइंट होता है, जस्ट वेट मिनट, ये जो पॉइंट होता है ना बाबू, ये वाला पॉइंट, इसी को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, ये आपका होता है इनवेरिएंट पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं इनवेरिएंट पॉइंट, समझ पा रहे हैं ना, तो यही आपका जो डिफिनेशन दिया था, जस्ट वेट मिनट, यही आपका मतलब, बस आप ऐसे सोच सकते हैं जैसे जैसे हम पी को प्लेन मिरर के पास लाते जाते हैं वैसे वैसे मेरा पी डैश जो भी है ये प्लेन मिरर के पास आता जाता है, एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा समय आता है कि जो पी है ना आपका प्लेन मिरर के एक्सिस पर ही लाई कर जाता है, जब प्लेन मिरर के एक्सिस पर लाई कर जाएगा मतलब इस प्लेन मिरर पर लाई करेगा तो आपका जो इमेज है ना उसी प्लेन मिरर के उसी पॉइंट पर लाई कर जाएगा, इसका मतलब आप खुद सोचो यदि आप एक पॉइंट हम आपको यहाँ दे दें हम फिर कह रहे हैं आप और एक दूसरा पॉइंट इसी पर फिर आप ले लो, इसका मतलब आपका डिस्टेंस तो जीरो हो गया ना, आप चले ही कितना, समझ पा रहे हैं, मतलब दोनों का अगर सपोज एक पॉइंट यहाँ होता है एक पॉइंट यहाँ तब तीन के बीच का डिस्टेंस होगा ना, एक पॉइंट है दूसरा भी पॉइंट एक्चुअली ये कॉन्साइड कर जाए, आप ऐसे सोच सकते हैं, मतलब दो पॉइंट है एक दूसरे पर क्या ओवरलैप कर जाए, दो पॉइंट है एक दूसरे पर ओवरलैप करने का मतलब उनके बीच का डिस्टेंस जीरो, यही हुआ ना, चलो तो ऐसा हुआ तो इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे वो तो इनवेरिएंट पॉइंट, ओके समझ चुके, ठीक है, ये थोड़े आप डिफिनेशन आप देख सकते हैं, यस यही डिफिनेशन था, अ पॉइंट इज कॉल्ड इनवेरिएंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन लाइन इफ एंड ओनली इफ इट लाइज ऑन द इट लाइज ऑन द लाइन, मतलब उसी लाइन पे ही लाई करता है, ठीक है, आप ये डिफिनेशन जान सकते, ओके, अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन द एक्स एक्सिस, ओके, अब देखो यहाँ से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अब तक तो आप बेसिक चीजें इससे पढ़े, लेकिन अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन द एक्स एक्सिस क्या होता है ये आप समझ सकते, ये रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन द एक्स एक्सिस, ओके,
ये ध्यान दो, ये जैसे सपोज करो, ये कोई मान लो सपोज कोई हमने कोई पॉइंट पी लिया, ओके पॉइंट है भाई, मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आप जा रहे हो, तो आपको क्या एब्सिसा और क्या ऑर्डिनेट दोनों चाहिए, ठीक है। तो आप देखो कोई पॉइंट पी है, उसको पी एक्स का मतलब भी एनी पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन फ्रॉम पी ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस एंड प्रोड्यूस पी डैश सच द एम पी इक्वल टू जो भी एम पी डैश इक्वल टू एम पी देन द पॉइंट पी डैश इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट इन द एक्स एक्सिस। ये आपको इसमें समझाया जा रहा है, जैसे ये देखो जस्ट हम आपको यहाँ समझा दें, ठीक है। जैसे आपको देखो रिफ्लेक्शन आपके पॉइंट इन एक्स एक्सिस से ही देखना है ना, आपका टॉपिक था बाबू आपका, यहाँ देखो ओके जस्ट वेट मिनट, ओके